गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। बोर्ड दिख रहा है आपको सही से? स्क्रीन के अंदर बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? ऐसा क्यों हो रहा है? अब सही है? मैं भी सही हूँ, दाग दाग तो नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। क्या बोल रहा है सुना नहीं मैंने। थैंक यू सो मच। वापस से गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे पीजीबीबी। हमारे अराउंड 2 लेक्चर हो चुके थे, ठीक है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में मैं सेकेंड लेक्चर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली पीजीबीबी में इनकम से ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? खर्चों पे। इनकम में तो हमने एक बात सीख ली कि हम बिज़नेस करने का इंटेंशन करते हैं, एक ट्रांजेक्शन हो कि 1000 ट्रांजेक्शन हो, उस बिज़नेस रिलेटेड जितनी भी रिसीट्स होती है, रिलेटेड रिसीट, इंसिडेंटल रिसीट्स, ये सब बिज़नेस प्रोफेशन की क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है। खर्चों में हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, अलाउड अंडर जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स, और अलाउड डिसअलाउड अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। इसमें अभी अपन पहले वाले पे ही थे, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड। इसके अपन ने काफ़ी पॉइंट्स पढ़ लिए थे, अराउंड 8 पॉइंट्स पढ़ लिए थे अपन ने। अब 9 से अपन को पढ़ना है, तो पहले वाले 8 को अपन थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रमाइसेस, प्रमाइसेस रेट जितना भी खर्चा है, इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 मैंने लिखाया था, रेंट हो, करंट रिपेयर्स हो, आपकी खरीदा हुआ हो तो डेप्रिसिएशन हो, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ये सब आपको अलाउड है। सेम चीज़ जैसे प्रीमाइसिस का खर्चा अलाउड है, वैसे प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का भी खर्चा अलाउड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उनका भी अलाउड है, इंश्योरेंस प्रीमियम उनका भी अलाउड है, किराए पे लाया तो रेंट उनका भी अलाउड है, खरीदी हुई तो डेप्रिसिएशन उनका भी अलाउड है। फिर है आपका डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32 लिखवाया था मैंने, याद रखना है आपको, मैंडेटरी लिखवाया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है। ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, जिसको मैं आपको कैपिटल गेन में एक बार सिखा चुका हूँ, अब जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो मैं दोबारा से सिखाऊंगा, ठीक है। इसकी रेट्स भी लिखवाऊंगा कि हर ब्लॉक के ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकली रेट है। मीन्स अब सरकार ने पूरा एक चार्ट बना के दे रखा है, जिसमें आपको असेट्स का स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि ये असेट इस काम में आती है तो इतना परसेंट, यही असेट इस काम में आती है तो इतना परसेंट, मतलब असेट का यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितना परसेंटेज लगेगा। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, बिल्डिंग, आपको क्या याद है कितना परसेंट है बिल्डिंग पे? 10% मैंने पहली बार में बताया था, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। अगर ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पज़ में काम में आ रही है तो 5%, और यही बिल्डिंग कमर्शियल पर्पज़ में काम में आ रही है तो 10%। समझ में आया? रेसिडेंशियल पर्पज़ में मैं वो घर की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरा खुद का है, पर्सनल है। पर्सनल असेट्स के बिजनेस के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिजनेस का असेट है लेकिन काम में रेसिडेंशियल आ रहा है, मतलब मेरी एक बिल्डिंग, हाँ मेरी एक बिल्डिंग मैंने इम्प्लॉयज़ को दे दी, हॉस्टल वगैरह को दे दी, तो ये सब रेसिडेंशियल पर्पज़ में काम में आ रहा है ना, तो इस पर कितना लगेगा? 5%। लेकिन मेरी बिल्डिंग में मैं शोरूम डाल के बैठा हूँ, गोडाउन बना रखा है, दुकान बना रखी है, तो फिर कितना लगेगी? 10%। समझ में आया? सारी रेट WDV है, एक जगह पे SLM अलाउड है, वो अलग से पड़ेंगे। मतलब आप यूँ समझ लो कि BCOM में तो इस डेप्रिसिएशन को एज अलग से एक चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है, आपके में अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन इस डेप्रिसिएशन में पढ़ने लायक 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें से ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट एक होता है। वो चारों टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब अपन क्वेश्चंस करने लगेंगे तब, ठीक है। क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि उसमें वो आपसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाए ही करवाए। 2 तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में पूछने के। एक क्या करता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा। PGBP में जो क्वेश्चन आता है उसमें P&L अकाउंट बना हुआ आता है, उसमें एक डेप्रिसिएशन लगा हुआ दे देगा कि डेप्रिसिएशन खर्चों के साइड पे 1,00,000 रुपये, और एक अदर इन्फॉर्मेशन में बोल देगा अलाउएबल डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपये। तो जब मुझे अदर इन्फॉर्मेशन में मिल गया कि अलाउएबल तो कितना है, 1,20,000 है, तो तुमने जो 1,00,000 माइनस कर रखा है वो गलत कर रखा है, तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है कि डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपये और नीचे वो असेट्स की डिटेल दे देता है कि ऑन 1st April 2021 आई हैव दीज मच असेट्स, आई हैव परचेज दीज असेट एंड आई हैव सोल्ड दीज असेट्स। तो फिर ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट से हमें खुद को कैलकुलेट करना, तो
तो बड़ा क्वेश्चन आता है तो हो सकता है हमसे खुद से कैलकुलेट करवाए या फिर वो खुद ही कैलकुलेट करके दे दुआ दे, हमें तो सिर्फ एडजस्टमेंट करना रहे, ठीक है। पर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या है, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, कितना परसेंट, 40% अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस एक्सपेंडिचर और डोनेशन। इन हाउस एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पिछले 3 साल और करंट ईयर, करंट ईयर में तो सारा सारा अलाउड है 100%, पिछले 3 सालों में सिर्फ 2 चीज़ अलाउड है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सैलरी टू इंप्लॉइज, ठीक है, एक्सेप्ट परक्यूजिट, सिर्फ मॉनेटरी सैलरी अलाउड है, डन। फिर आते हैं अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें तो पिछले 3 साल का भी अलाउड है, करंट ईयर का भी अलाउड है, एक्सेप्ट लैंड 100% अलाउड है। फिर आते हैं अपन डोनेशन, डोनेशन में अपन ने पढ़ा एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। साइंटिफिक रिसर्च के लिए दो कि सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दो, कितना मिलेगा, 100%। किसी और कंपनी के दो, कितना मिलेगा, 100%। फिर आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी को अंडर आ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू यूज दिस डोनेशन टू एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, कितना परसेंट, 100%। फिर मैंने आपको रिलेवेंस बताई थी कि पहले ये परसेंटेज अलग अलग हुआ करती थी, क्राइटेरिया अलग अलग था, अब तो सबको मर्ज कर दो क्योंकि सबके ऊपर कितना मिलता है, 100% ही मिलता है। तो साइंटिफिक रिसर्च होगी, सोशल रिसर्च होगी, कंपनी होगी, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, सब पे कितना मिलेगा, 100%। अगला है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट एंड कॉपी राइट बिफोर 1988। अपन ने लिखा था इररिलेवेंट, मैं नोट्स में ही लिखा हुआ है कि अगर 1988 के पहले पेटेंट और कॉपी राइट खरीदे हैं तो 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है, तो सर 1988 वाले की चीज़ पे 14 ईयर्स तो कब के बीत चुके हैं, तो इस साल में डिडक्शन तो नहीं लेना। तो ये पॉइंट डिडक्शन का नहीं है, किसका है, इनकम का है, कि उस असेट पे जिस पे आप 14 सालों में डिडक्शन ले चुके हो, अब उसकी वैल्यू क्या है आपके लिए, 0। अब उसको अगर आप सेल करते हो तो जिस चीज़ों को पहले खर्चा मान चुके थे उसमें से कुछ पैसा आप क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। रिकवरी को क्या मानेंगे अपन, बिजनेस प्रोविजन की इनकम मानेंगे, ठीक है। और अगर कॉस्ट से भी ज़्यादा रिकवर हो रहा है तो क्या मानेंगे, कैपिटल गेन। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं सुना है तो पहले आई बटन पे क्लिक करके पिछले वीडियो में जाओ, पढ़ के आओ, फिर ये वाला वीडियो देखो, ये तो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन चल रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेटिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, एक्सपेंडिचर फॉर ऑपरेटिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का लाइसेंस हो, गया स्पेक्ट्रम हो, उसका डिडक्शन मिलता है अपॉन इट्स यूजफुल लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, अपॉन इट्स यूजफुल लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। ये समझाया था, आपने एक बार 100 करोड़ दिए, 10 साल बाकी है, 100 करोड़ डिवाइड बाय 10 ईयर्स, फिर आपने अगली किस्त 6ठे साल में पे करी, अब साल से 5 बाकी है, 100 करोड़ और पे किए, तो 100 करोड़ डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितना है, 5, तो इस साल की डिडक्शन कितना मिलेगा अब, 20, वो 10 चलता हुआ आ रहा है, 20 और मिल रहा है, तो अब से डिडक्शन कितना मिलने लग गया, 30 का। आ रहा है समझ में, जाओ स्पीड में, ओके। फिर अगला है आपका, अच्छा इस चीज़ में वो सेल करने वाली बात थी कि अगर मान लो आप डिडक्शन लेते 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 80 करोड़ पे आगे, WDV कितनी है अब उसकी, 80 करोड़ अनअमोटाइज अमाउंट जिसको अपन बोलते हैं। अब उसमें से आपको एक पार्ट बेच रहे हो 50 का, तो 80 में से 50 माइनस कर दो, 30 बचेगा, उसको रिमेनिंग लाइफ में डिवाइड कर दो, या आप पार्ट बेच रहे हो या पूरा ही बेच रहे हो। अब अगर पूरा ही बेच रहे हो, सुनना, अगर आप पूरा ही बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, 50 में बेच रहे हो, तो 80 में से 50 रिकवर हो गए, 30 आपका उस साल का डिडक्शन, 30 आपका उस साल का डिडक्शन, 80 से ज़्यादा में बेचोगे, 90 में बेचोगे, तो पिछला डिडक्शन आपको क्या हो गया, रिकवर हो गया, इस साल की क्या मानी जाएगी, इनकम। कॉस्ट से भी ज़्यादा में बेचा तो कैपिटल गेन, होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया रिवीजन, अब तो नया पढ़ना है। बुक लाया हो आप लोग, इनकम टैक्स की बुक लाया हो, नहीं लाया हो, निकालो, मेरे हिसाब से शायद 35AD आपके सिलेबस में है कि नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। सेक्शन 35AD जनरली क्वेश्चंस में कम आता है, लेकिन इनकम टैक्स में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, डोंट नो क्यों, इंपॉर्टेंट माना जाता है इस सेक्शन को, एग्जाम में मैंने कम ही देखा है इस सेक्शन को, लेकिन सेक्शन इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा और याद भी रहेगा, बहुत अच्छा सेक्शन है, नाम से याद रहता है, AD है ना, हमारे अब्दुल सर बोलते हैं सारी लड़कियों को AD, तो ये वो है सेक्शन 35AD। 14 स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, 14 स्पेसिफाइड बिजनेस। हमारे देश में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब जब किसी बिजनेस की कमी पड़ी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 2001 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो सारी कंट्रीज़ के एथलीट्स या इंडिया में आ रहे थे, दिल्ली में ये गेम्स हुए थे, ठीक
ठीक है, स्टेडियम वगैरह सब तैयार किए गए। अब क्या हुआ, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने ये देखा, कब हुए थे, 2001 में नहीं हुए थे, अब होंगे 11-12 में हुए होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे नंबर्स में, मैं भाई साहब 11-12 में हुए हो कि 8 में हुए हो कि 2001 में हुए हो, बाल की खाल मत खींचा करो, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, सारे इंडिया सारे वर्ल्ड से एथलीट्स यहाँ आने वाले थे, सरकार को ज़रूरत महसूस हुई कि इन एथलीट्स को हम रुकाएंगे कहाँ पे, इतने तो हमारे यहाँ 5-star 2-star होटल्स ही नहीं हैं, तो ये कहाँ रुकेंगे। तो सरकार ने कहा कि जो भी इस पर्टिकुलर ईयर से पहले पहले ये होटल सेटअप कर लेगा तो उसको उस होटल सेटअप करने में जितना भी खर्चा लगेगा वो सब 100% अलाउड होगा। समझ में आया, मींस ऑब्जेक्टिव समझे कि पूरी कंट्री में ये वाले बिजनेस की कमी है, किसकी, हॉस्पिटल की कमी है, तो बनाओ आप हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बनाने में जो भी खर्चा होगा हम आपको पहले ही बार में क्या दे देंगे, डिडक्शन। अब तुम कहो कोचिंग इंडस्ट्री की भी कमी है, कोचिंग भी नहीं है, तो बनाओ कोचिंग, उसका भी डिडक्शन देंगे, नहीं भाई उसका डिडक्शन नहीं है, कोचिंग सेंटर बनाओ, एलन वालों ने कोचिंग कोई बिल्डिंग बनाई कोचिंग की, 5-10 करोड़ रुपए खर्च करे, उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको तो वही 10 करोड़ का डिडक्शन रोते रोते 10% मिलेगा, है ना। तो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, सर होगा क्या कि इन 14 स्पेसिफाइड बिजनेस में आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, इनिशियल सेटअप के टाइम पे नहीं, हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, असेट्स, कि जब भी आप कोई एसेट खरीद के लाओगे डेप्रिसिएशन क्लेम करने की जरूरत नहीं है, 100% डिडक्शन पहले ही साल में आपको क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अब कॉमन सेंस, जब हमने 100% डिडक्शन आपको पहले ही साल में दे दिया, फिर डेप्रिसिएशन भी देंगे क्या आपको, नहीं देंगे। जब मैंने उस असेट का डिडक्शन आपको पहले ही 35AD में दे दिया, तो उस असेट के नाम पे कोई भी अभी डिडक्शन आपको मिलना चाहिए क्या, कभी नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट, समझ में आया। आपने 100% डिडक्शन तो ले लिया, फिर उसको लेटर ऑन कभी किसी को बेच दिया, फिर जिसका आप डिडक्शन ले चुके हो वो पैसा आपको क्या हो गया, रिकवर हो गया, तो वो उस साल ही क्या मानेंगे अपन, इनकम ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, ओके। तो पहले तो अपन पढ़ते हैं 35AD क्या बला है, एक लाइन में 100% डिडक्शन मिलेगा सर किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस किस को, जो ये 14 स्पेसिफाइड बिजनेस करें। तो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस पे आते हैं, डिडक्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD, 100% डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये यहाँ पे ऑल रेवेन्यू लिखा हुआ है पर मतलब पानी, तो 35AD का स्पेसिफाइड क्या हुआ, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबको ही अलाउड होता है। 35AD की खास बात तो किस चीज़ की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 35AD, ये रहे, स्पेशल सेक्शन बिजनेस है, छोटे मोटे नहीं है, परचूने की दुकान खोल ली तुमने, पानी पूरी का ठेला खोल लिया, वैसे नहीं है, ऐसे ऐसे बिजनेस है जिसमें करोड़ ऑफ करोड़ रुपए लगते हैं, लोग उसमें हाथ डालना पसंद नहीं करते। सेटअप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, समझते हो आप, फिर उन चीज़ को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो स्पेशल ट्रक्स होते हैं, तो वो बिज़नेस आपने सेटअप किया, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिंग एंड ऑपरेटिंग, अच्छा ये वीडियोस में तो सुना ही नहीं सब, तो तुमने ही बोल दिया, कोल्ड चेन फैसिलिटी मतलब इनका काम होता है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को स्टोर करना जिसको डीप फ्रीज की ज़रूरत होती है ना, पेरिशेबल आइटम्स, वेजिटेबल्स हुए, आइसक्रीम्स हुए, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड ट्रक्स चाहिए होते हैं, डीप फ्रीज़र वाले, ठीक है। तो इन चीज़ों का इनका क्या है, बिजनेस है। बोल प्रशांत क्या बोल रहे हैं। सेकंड, सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आता है, अगर क्वेश्चन आया, फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 1st April 2009। अब आपको डेट देखने की ज़रूरत नहीं है, कि सबके आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर, ठीक है। तो यार अब देश सरकार को क्या महसूस हुआ कि हमारा किसान जब फसल बना लेता है, पूरी काट लेता है फसल, तो उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है ही नहीं, स्टोर करके रखेगा तो और ख़राब हो जाएगा, जितने अभी मिल रहे वो भी नहीं आएगा, तो ये जितने भी वो हैं आड़ते वाले वो किसान का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि वो देख इतना दे रहा हूँ लेना ही नहीं, उसको लगता था यार ये भी नहीं लूँगा तो उससे भी जाऊँगा, तो सरकार ने कहा आप क्या बनाओ, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाओ। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी समझते हो ना आप लोग, वेयर हाउसिंग समझते हो कि लोग बड़े बड़े गोडाउन बना लेते हैं और उस गोडाउन में स्पेस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप लाके यहाँ रख दो, जितने दिन यहाँ रहेगा, जितने दिन स्टोर करके रखोगे उतने दिन का हम आपसे क्या लेंगे, चार्जेस। तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी तो हर काम में आती है,
छावनी में भी है वेयर हाउसेज, ठीक है, तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हर काम में आती है। लेकिन अगर आपने वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी किसके लिए बनाई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए बनाई है, तो 35 AD में आएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, पूरा एग्रीकल्चर होगा तो ही चलेगा। नहीं अलाउड सर, हमें जो ईयर दे रखे हैं उससे पहले उसने कर दिया हो तो अलाउड नहीं है। और इवन आपसे भी ये ईयर याद रखना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, इतना इन डेप्थ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि तो फिर याद करने लायक बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपसे 14 बिजनेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक डेट्स याद नहीं करी जाती, ठीक है। लेकिन हाँ, बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब इसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमने प्रोसेस करके स्टोर कराया तो उसका भी नहीं मिलेगा, तो सब्जेक्ट मैटर है, रिसर्च करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं डेफिनेशन दे रखी होगी, या उस डेफिनेशन का कोई ब्यौरा दे रखा होगा, नहीं दे रखी होगी डेफिनेशन तो जिस एक्ट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो डायरेक्ट एक्ट लगता है उसमें जो डेफिनेशन दे रखी होगी वो अपन को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007। जानते हो आप क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन क्या होती है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री की पाइपलाइन, तब उसी से आता रहेगा। ठीक, आने दे पहले। 4, इट इंक्लूड्स स्टोरेज फैसिलिटीज ऑल्सो विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। यार ये पॉइंट आधा है, नहीं इसने गलत लिख दिया है। ये है ना, ये 4 पॉइंट नहीं है, करेक्शन है, ये 4 पॉइंट नहीं है, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्रॉस कंट्री नेचुरल पाइपलाइन का ही पॉइंट है, ये एंटर पड़ गया है, उन्होंने पॉइंट दे दिया है, नहीं आएगा, ये इधर से ही आएगा। आफ्टर 1 अप्रैल 2007 इट इंक्लूड स्टोरेज फैसिलिटी ऑल्सो विच इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के साथ अगर आप स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे हो तो वो भी इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड ये याद रखना बहुत ईजी है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनी वेयर इन इंडिया अ होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी। होटल बनाने पर भी आपको क्या मिलेगा? 35 AD का बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनी वेयर इन इंडिया हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड, होटल एंड हॉस्पिटल। ठीक है, एक में मौज मस्ती करने जा रहे हैं, एक में तुम्हारे मजे लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2010 अंडर अ स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन इट्स बिहाफ इन दिस बिहाफ। समझते हो आप स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन क्या होता है? स्लम रीडेवलपमेंट मतलब कि एक बिल्डर क्या करता है कि पूरा एरिया, मोहल्ले बराबर का एरिया जहाँ पे पहले लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, एक एक कमरे के मकान में रह रहे थे, उसको हर मकान मालिक से उसकी जगह खरीद लेता है, एग्रीमेंट करता है उन सब से, वो खरीद लेता है, खाली करवाता है, वहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग बनाता है, उन बिल्डिंग्स में से कुछ पोर्शन इन घर वालों को दे देता है और बाकी के पोर्शन को सेल करके अपना पैसा बनाता है। ये मुंबई इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, मुंबई में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, यहाँ पे तो कोटा में तो स्लम देखने को नहीं मिलता। कोटा में स्लम मतलब दशहरा मैदान के साथ जो सामने जो झोपड़े लग रही है बस, वो ये स्लम नहीं कहलाते। मुंबई में अपने जैसे लोग भी एक एक कमरे के उसमें ही रहते हैं, मतलब मेरी बुआ का मकान था यहाँ से लेके यहाँ तक बस, ये इतना उनका किचन था, किचन के ही साइड में उनका वॉशरूम था और इतना उनका, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब इतना एरिया भी नहीं होगा, यहीं तक इधर तक ही था बस, इतना ही था, बस इतना सा घर था उनका। ठीक है, फिर उन्होंने एक फ्लोर और बना लिया तो थोड़ा सा लंबा हो गया, बस इतना ही उनका मकान था। और गलियाँ तुम देख लो कि दो लोग ऐसे साथ में चल भी नहीं सकते,
दो लोग यूँ आए तो एक को इधर यूँ निकलना पड़े, एक को यूँ निकलना पड़े, इतनी छोटी छोटी गलियाँ, और गलियाँ मतलब मकड़ी का जाल। मतलब मेरे को तो बहुत टाइम लगा समझने में कि इस गली से निकलूँ तो कहाँ पहुँचूँगा, इस गली से निकलूँ तो कहाँ पहुँचूँगा, ऐसा। अब ये बिल्डर क्या करता है, एक एक से एग्रीमेंट करता है। सबसे पहले कहता है तुम्हें इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलेगा, तुम्हें इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट, फिर डेमोलिश करके बनाता है, और फिर वो एक साइड इनके लिए दे देता है और एक साइड रोड वाली साइड पे वो अच्छे अच्छे फ्लैट्स बना के, बड़े बड़े फ्लैट्स बना के बेचता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लम रीडेवलपमेंट। तो उसके ऊपर भी 100% डिडक्शन। अगला, बिल्डिंग डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000 अंडर अ स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहार। ये आपको कोटा में देखने मिल जाएगी, अफोर्डेबल हाउसिंग, आवास योजना, वो तो सरकार ने बनाई। आपको ये देखने को मिलेगी स्वालका एंड स्वालका वाला, मेरे को प्रोजेक्ट का नाम पता नहीं है। आप वो जो बंसल और बंसल क्लासेस के सामने वाली जो बिल्डिंग है ना उनकी बड़ी, जहाँ पे वो 14-14 लाख रुपए में फ्लैट दे रहे थे, वही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे किसी को हटा के नहीं बनाया जाता, बिल्डर अपनी ही जगह खरीदता है, अपनी जगह खरीद के उस पर बिल्डिंग बनाता है और उसको सस्ते में देता है। गवर्नमेंट से पहले प्रोजेक्ट को नोटिफाई करवाता है, फिर जिसको सस्ते में देता है उसको फिर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो 14 लाख में से इनको 10-11 लाख रुपए देने पड़ते हैं, बाकी के 2.5 लाख किसकी तरफ से मिल जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया होता है, 10-10 हज़ार रुपये में के मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपको एक अच्छा फ्लैट मिल जाता है, 2 BHK 3 BHK का, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। अगला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी अंडरलाइन करना, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है आपका तो उसके ऊपर भी 100%। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो, हमारे अडानी साहब कंटेनर डिपो समझते हो ना आप लोग, पोर्ट्स जो होते हैं वो बनाते हो आप तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा पहले साल में। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी बी एक्स, डाबर के ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो मधुमक्खियों को पालता है, तो कैसे पालता है, शक्कर खिला खिला के पालता है और फिर उससे हनी निकलता है, तो इतना नेचुरल हनी नहीं माना जाता, ये एलिगेशन से ऊपर। तो आप मधुमक्खी पालने का बिजनेस करते हो तो बी फार्मिंग बहुत होती है, मेरा एक खुद का मिलने वाला बी फार्मिंग करता है, तो मेरे को पता नहीं अब कैसे होता है, मैं उसके फार्म में मैं भी देख के आऊँगा, मेरे को भी इंटरेस्टेड वीडियो बनाऊँगा, तुमने चलना हो तो तुम भी चल चलना यहीं आसपास ही कोटा के, चलेगा कृष्णा तू, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, यहाँ पे एक अलग से कौन आ गया, शुगर वाला। लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, इसमें गरम गरम पिघला हुआ लोहा ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, उसको स्लरी पाइपलाइन कहते हैं। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग, ये मैं हर बार देखता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आता, ये जनरेटर टाइप चीज़ होती है जिससे बिजली के उसमें काम में आती है, ये वो जो डीपी यूनिट है ट्रांसफार्मर उड़ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, वैसी कोई चीज़ होती है ये सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आलूवालिया मॉल आपका देखा है, तो आलूवालिया मॉल पता ही क्या है, बस स्टैंड है, ठीक है। सरकार से बस स्टैंड बनाया नहीं गया तो आलूवालिया को बोल दिया कि तुम बस स्टैंड तुम बना के दो हमें और एक पोर्शन में तुम तुम्हारा मॉल बना लेना, इतने टाइम की लीज पे मॉल चला लेना, तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी यहीं पे आती है। सरकार अब पब्लिक के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती, इन बड़े बड़े लोगों से खर्च करवाती है और उल्टा पैसा कमाती है। जैसे जितने भी आपके हाईवेज होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, डैम्स होते हैं, इन सब के लिए सरकार प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, उसमें बड़े बड़े बिल्डर्स बिड करते हैं और कहीं ना कहीं उनको या तो टोल टैक्स वसूल करने का ठेका दे देती है और कोई साइड में कोई प्रोजेक्ट दे देती है जिनसे वो अपना पैसा कमा लेते हैं और सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फ्री में डेवलप हो जाती है। तो अगर आपने ऐसी कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करी है तो उसका भी 100% डिडक्शन आपको पहले साल में ही मिल जाएगा, क्लियर है। एक बार नाम पढ़ लो आप लोग, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अब इसके 35AD की खास बात जो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ पढ़ते हैं कि यार अगर आपको इन 14 बिजनेस में 100% डिडक्शन मिल गया पहले ही साल में, तो मैंने बताया ऐसा कोई बिजनेस तो होता ही नहीं कि इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे दे, जितना भी पैसा लगाऊँ पहले साल में कमा के दे दें,
तो लॉस आएगा, लॉस आएगा, उस लॉस को सेट ऑफ करने में 8 साल से ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस हैं, 8 साल तक तो हम हमारा रेवेन्यू खर्चा ही रिकवर कर लेंगे, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इन लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए टाइम पीरियड कितना है? अनलिमिटेड, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। खास बात क्या है कि इस बिजनेस का लॉस किसी और बिजनेस से एडजस्ट नहीं हो सकता। इन 14 बिजनेसेस का लॉस आपस में तो हो जाएगा, लेकिन कोई 15th बिजनेस से नहीं होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे 2 बिजनेस थे, मुझे पता पड़ा कि यार ऐसा 14 स्पेसिफाइड बिजनेस करने से स्पेशल डिडक्शन मिलता है। तो एक मेरा तो कोचिंग का काम था ही सही, प्लस मैंने एक हॉस्पिटल भी बना लिया। अब हॉस्पिटल से मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड हो गया। तो उस लॉस को मैं मेरे अदर बिजनेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकता। उस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन किसी और से नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लो मेरे जो 2 बिजनेस थे, उसमें एक होटल था जो भी 35 AD में आता है, और एक हॉस्पिटल था जो भी 35 AD में। होटल पुराना था तो उसमें अब लॉस था नहीं, उसमें तो अब इनकम थी। हॉस्पिटल नया नया था तो उसमें लॉस था। तो अब इस 35 AD के बिजनेस को इस होटल वाले 35 AD से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये 14 आपस में तो एडजस्ट होंगे, लेकिन किसी 15वें से एडजस्ट नहीं, है ना? किसी दूसरे हेड से एडजस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। जब ये आपस में किसी और बिजनेस से ही नहीं हो रहे, तो हाउस प्रॉपर्टी से जाके एडजस्ट होंगे क्या? कैपिटल गेन से जाके एडजस्ट होंगे क्या? नहीं नहीं, बहुत बड़े वाले घमंडी है ये, ये अपने आप में ही रहते हैं, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते। लेकिन घमंडी है, लेकिन इंटीग्रिटी भी है। कोई और इनके सामने हाथ फैलाए तो उनकी मदद पूरी करते हैं। मतलब कोचिंग से हो रहा है लॉस, हॉस्पिटल से हो रहा है प्रॉफिट, तो क्या कोचिंग के लॉस को मैं इसके प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता हूँ? हाँ, अलग। इसके लॉस तो किसी और से एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई और लॉस इसमें एडजस्ट होने आए आराम से कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आगे बढ़े अपन। हाँ, हाँ सर, हमें 5 साल तक लॉस ही लॉस होता रहा, 6ठे साल में प्रॉफिट हुआ। तो 5-6 साल के प्रॉफिट को, लॉस को एक ही साल के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते, लेकिन ये पॉसिबल है क्या कि 5 साल का लॉस और 6ठे साल में प्रॉफिट इतना सारा कि 5 साल का लॉस एडजस्ट हो जाए? हाँ, तो जितना भी है सब एडजस्ट कर ले, बाकी और कैरी फॉरवर्ड, फिर जो सब एडजस्ट कर ले फिर कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? तो लगेंगे अभी 10-15 साल। हाँ, लॉस होगा, लॉस। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे, हम तो लॉस की बात कर रहे हैं। इस बिजनेस का लॉस इनडेफिनिट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, रेवेन्यू हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला है ना, मुझे इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आप ऑलरेडी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U में पढ़ के आए हो, और सेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सेक्शन 35CCA 100% डिडक्शन द फॉलोइंग सम्स। देखना, सब कुछ वहीं का वहीं था, सेक्शन नंबर याद करना है आपको। पेमेंट मेड टू एनी अप्रूव्ड एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर अप्रूव्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 80GGA, अरे 80G था आपका डोनेशन वाला, 80GGA था आपका HRA वाला, और 80GGA था आपका ये रूरल डेवलपमेंट वाला, भूल गए क्या? फिर GGB GGC है, मुझसे अड़ रहे हो तुम इनकम टैक्स में, क्या देख रहे हो? वहाँ लिखा हुआ नहीं है, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जी डोनेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी, GGG जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, और GGA जिसकी PGBP में इनकम नहीं है, क्योंकि अगर होती तो उसको ये सेक्शन 35CCA में डिडक्शन मिल जाएगा रूरल डेवलपमेंट का। एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर तीसरा पॉइंट क्या था? रूरल डेवलपमेंट फंड और पॉवर्टी एडुकेशन, नेशनल अर्बन पॉवर्टी एडुकेशन फंड। ये रहा, देखो यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया, रूरल डेवलपमेंट फंड और नेशनल अर्बन पॉवर्टी एडुकेशन फंड। तो वहाँ पे इन 3 पॉइंट का 1, 2 और 3 थे, चौथा कौन सा था उसमें? वेरी गुड, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को साइंटिफिक रिसर्च वाला। तो 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला और 35 CCA
रूरल डेवलपमेंट वाला, जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं, उसको इन दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर हमें तो बेनिफिट दिलवाना है, हमें तो इनकरेज करना है कि इन चीज़ों में खर्च करो आप, तो फिर क्या करेंगे वो वहाँ पे 80GGA में डिडक्शन दे देंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। इसमें एक्सटेंशन वर्ड नहीं है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लिख दो, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बीच में एरो करके ऊपर लिख दो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 100% अलाउड। नोटिफाइड प्रोजेक्ट के ऊपर आपने खर्च किया, एक्सपेंडिचर बाय कंपनीज और नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 100%, अंडरलाइन कर लो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, डिडक्शन एक्सपेंडिचर ऑन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। स्टार्टअप करने से पहले जो खर्चे होते हैं शेयर्स वेयर्स इशू करने में, उनको अपन बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, ये जैसे ही आपका बिजनेस कमेंस होता है तब से आपको डिडक्शन मिलता है इन 5 equal installments, लिखा हुआ होगा 5 equal installments। लेकिन जितना भी खर्चा हुआ है पूरा पूरा अलाउड नहीं होगा, उसको पहले खर्चे को अपन कंपेयर करेंगे तो एक्सपेंसेस एलिजिबल कैलकुलेट किया जाएगा कि एलिजिबल डिडक्शन लाइक एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना, एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपने किया है वो, एक 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ये टेक्निकल टर्म है, तो दो तरीके से होता है, एक या तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जो किसी से आपको सर्टिफाई करानी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, या फिर जिस साल आपका बिजनेस कम, ये ढंग से सुन ले क्वेश्चन में ये गिवन होता है, या फिर जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ है उसकी लास्ट डेट पे आपके पास जितने भी फिक्स असेट्स थे उसका 5% वही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान ली जाएगी। या तो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकलवा के लाओ, सर्टिफाई करवा के लाओ, या फिर जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ है उसकी लास्ट डेट 31 मार्च में आपके पास जितने भी असेट्स थे वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5%। अब अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टली गिवन होगा, आपसे तो कैलकुलेट करवाएगा नहीं, एफएम का तो चैप्टर है ही नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टली गिवन होगा या फिर 31 मार्च की फिक्स असेट की कॉस्ट गिवन होगा, आपको उसका क्या करना है 5%। डन। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कि क्वेश्चन आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस 5 lakh एंड फिर 2-4 points छोड़ के आएगा फिक्स असेट ऑन 31 मार्च 2000 दिस, जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ आपके 21-22 में कमेंस होगा, फिक्स असेट ऑन 31 मार्च 2022 इज ₹60 lakh। तो आपको क्लिक करना चाहिए कि फिक्स असेट किसके लिए दिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए दिए जिसको अपन पीछे छोड़ के आए, तो 60 lakh का 5% कितना हुआ 3 lakh, एक्चुअल कितना हुआ 5 lakh, विच एवर इज लोअर 3 lakh का डिडक्शन मिलेगा इन 5 equal installments। ठीक है, तो 3 lakh/5 60,000, हर साल का डिडक्शन 60,000। अब आपको ऊपर PNL में जाके देखना पड़ेगा कि इन्होंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम पे खर्चों में कितना ले रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में पूरा 5 lakh ही दे देगा कि 5 lakh का खर्चा हुआ है, हमने खर्चा मान लिया, भाई गलत किया, अलाउड तो कितना है 60, तो 60 को अलाउ करेंगे, बाकी के 40 को क्या कर देंगे अपन डिस अलाउ कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर 5 equal installments। IPCC सेकेंड ग्रुप में आप पढ़ोगे अमलगमेशन और डीमर्जर, दो कंपनियां मिलके एक कंपनी बन जाती है या एक कंपनी के टुकड़े होकर दो कंपनी बन जाती है, तो इसमें आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उनको पूरी स्कीम क्रिएट करके समझानी पड़ती है, वो अप्रूव करते हैं तो ही आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कंपनी में साइन 2-4 लोगों के चलते हैं लेकिन उससे इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़ता है, तो कैसा ना हो कि किसी ने अंडर द टेबल पैसे लेके दूसरे लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया हो, तो कोर्ट अप्रूव करेगी तो ही होगा, और लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत सारी होती है इसमें, तो इस अमलगमेशन और डीमर्जर को करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, प्रोफेशनल्स लगते हैं, उनकी फीस पे करनी पड़ती है, टाइम पीरियड भी काफ़ी लगता है, तो जो भी आपका खर्चा हुआ है वो इनकम टैक्स में 5 equal installments में अलाउड हो जाएगा। समझ में आया? किसको? रिजल्टिंग फॉर्म, क्योंकि पहली वाली कंपनी तो गई ना, ए और बी खत्म हो गई, बदले में क्या आ गई सी, तो जो भी खर्चा हुआ है वो सी को 5 equal installments में क्या मिलेगा? अलाउड होगा। समझ में आया? क्लियर? डी मर्जर भी बता दूं, IPCC वाले हो तो अच्छा समझोगे, ए कंपनी थी उसके अब दो टुकड़े हो गए A1 और B1, तो खर्चा सारा ए ने किया, डिडक्शन किसको मिलेगा? A1 और A2 को, तो भाई किसको कितना मिलेगा? जिस रेशियो में असेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ना, नेटवर्क जिस रेशियो में, उस रेशियो में खर्चे को डिवाइड कर लेंगे, 5 equal installments में क्या ले लेंगे अपन? डिडक्शन ले लेंगे।
डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इन फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अपनी इच्छा से आप लोग क्या ले लो, रिटायरमेंट ले लो। हाँ वही तो पढ़ रहा हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरीली आप खुद ही क्या हो जाओ, रिटायर हो जाओ। जैसे प्रशांत कहे कि देख प्रशांत अब तो उससे काम तो होता नहीं है, 50 साल का हो गया तू, काम तो तुझसे हो नहीं रहा, लेकिन रिटायर होने में अभी भी 10 साल तेरे बाकी है, तो तू देख अभी ले लेता हो तो मैं तुझे 5 लाख रुपए क्या दूंगा, कंपनसेशन दूंगा 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है पीएफ वीएफ का, वो तो दूंगा ही दूंगा, आज ही 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ले रहा है क्या? अगर इसको समझ में आ गई, कल को ये कंपनी बंद हो जाए हमें निकाल दे तो फिर तो मैं इससे भी जाऊँगा, अभी 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं तो वैसे ही चिड़ा बैठा हूँ इस नौकरी से, खुद का बिजनेस करूँगा, फार्म हाउस बनाऊंगा, उसमें टमाटर उगाऊंगा, खुद ही खाऊंगा, ठीक है। तो 5 लाख रुपए जो मैंने दिए तुझे वो मेरे लिए बिजनेस का खर्चा है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। समझ में आया? डिडक्शन फॉर एक्सपायर कितने चलेंगे यार, एक और है ना बस, खत्म करते हैं। डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर सर्टेन मिनरल्स, प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा फॉर सर्टेन मिनरल्स इन केस ऑफ मेन्स नहीं है, माइंस है। माइंस क्या करा आपने, एक माइन ली लीज पे। अब माइन एरिया के हिसाब से ले ली जाती है, जैसे आप धनेश्वर वगैरह में जाओगे वहाँ पे कोटा स्टोन बहुत निकलता है, ठीक है, पत्थर निकलता है वहाँ से। आप वो चेचड़ वाली साइड पे जाओगे उस साइड, तो मैं नाम भूल गया गांव का, वहाँ पे कोटा स्टोन निकलता है, तो सुकेत वेरी गुड, सुकेत में कोटा स्टोन निकलता है। तो अब वो जो कोटा स्टोन निकलता है, तो मैंने देखा कि यार ये सुकेत के पास ये एक जगह है, मैं इसको ले लेता हूँ, मैं भी कोटा स्टोन निकालूँगा। अब पहले मुझे उस जगह पे ढूंढना पड़ेगा कि कोटा स्टोन का डिपॉजिट कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है, फिर मैं वहाँ से खोदना चालू करूँगा। तो जो अपन ढूंढ रहे हैं ना अभी, सर्च कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। फिर जब मैं उसको निकालना चालू करूंगा उसको बोल देंगे एक्सट्रैक्टिंग। तो मेरा बिजनेस कब से कमेंस होगा, जब से मैं एक्सट्रैक्ट करना चालू करूंगा, अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढने के जो भी खर्चे होते हैं ना, वो आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होते हैं। समझ में आया? 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड हो जाएंगे। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर इन विच प्रोडक्शन कमेंसेस और एनी टाइम इन 4 प्रीवियस ईयर। आपने ढूंढना चालू किया, हाथों हाथ मिल गया, वेरी गुड। सालों से ढूंढ रहे हो, मिला ही नहीं, बरसों में जाके मिला आपको, तो 4 साल का खर्चा अलाउड है, उसके पहले का खर्चा तो अलाउड भी नहीं है। जिस साल से बिजनेस कमेंस होगा उस साल के 4 साल पहले का खर्चा आपको उस साल से 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अब ये जो माइंस का अलॉटमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और कभी कभी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है ढूंढने में। तो अगर आपके खर्चे में से कुछ पार्ट गवर्नमेंट ने बियर किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपका खर्चा हुआ 4 लाख, 4 लाख में से का 50,000 तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी आपको, तो माइनस कर दो कितने बचे, 3.5, तो 3.5 लाख का आपको 10 साल में डिडक्शन मिलेगा हर साल का, 35,000 35,000 35,000 35,000। समझ में आया? और सुनो, आपने डिडक्शन लेना चालू किया, अब डिडक्शन में क्या हुआ कि जिस साल आपने डिडक्शन लेना चालू किया 35,000 का, उस साल इतनी इनकम ही नहीं हुई, उतनी इनकम ही नहीं हुई कि आप पूरे डिडक्शन को माइनस कर सको। अब ये डिडक्शन है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मान लो इस साल की इनकम में से 35 के बदले में सिर्फ 30,000 रुपये ही क्या हुए, माइनस हो पाए, तो 5,000 जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और अगले साल 35 का डिडक्शन कितने का मिल जाएगा, 40 का मिल जाएगा, एंड सो ऑन। अगले साल भी 30 ही अलाउड हुआ तो 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर ऐसे कैरी फॉरवर्ड कब तक होंगे, जब तक वो 10 इंस्टॉलमेंट चल रही है ना तब तक ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, 11वें इंस्टॉलमेंट में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, 11वीं इंस्टॉलमेंट तो अलाउड है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? पढ़ लो। बस इसमें तो इतनी गहरी बातें लिखी हुई भी नहीं है जो मैंने आपको समझा दी कैरी फॉरवर्ड वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इम्प्लॉयज फॉर अ कंपनी असेसी ओनली, इम्पॉर्टेंट। किसको मिलेगा? सिर्फ कंपनी असेसी को मिलेगा फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और जो नॉन कंपनी वाले होंगे उनको तो ATG की 3rd कैटेगरी में 5th पॉइंट में मिल जाएगा, ठीक है, 50% विद इन द लिमिट। डन?
फिर उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। फैमिली प्लानिंग वाले का 100% है, ताजमहल का 50% है। हाँ 100% होगा, लेकिन यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है आप, क्लियर है। बाय टाटा, सी यू। ऐसा नहीं होता। ये कह रहा बेटा डबल डबल बेनिफिट हो गया ना, तो अगर डिडक्शन यहाँ मिल गया तो वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।